असलम एवरी वन वेलकम बैकर डे एंड आई होप दैट वेरी वेल इंजॉइंग लाइफ एज यू नो देट लास्ट व्लाग में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने घर के सारे काम वगैरह क्लोज कर लिए हैं क्योंकि मुझे जाना है अपने कज़न के निका पे सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ निका के कुछ क्लिप शेयर करूँगी ब्राइटल ड्रेस और उसके अलावा ज्यूलरी वगैरह यहाँ पे ये यह जो आप ज्वेलरी देख रहे हैं ये मेरी कज़न ने अलग से इसके जो जुमर है वो अलग से उसने बाई किया था और वो जो पीछे इस तरह बालों में लगाते हैं ये इसने अलग से बाई किया है और ये इसकी इंडियन ज्वेलरी है माशाल्लाह मेरी कज़न्स जो हैं वो ज्वेलरी बहुत अच्छी बाई करती हैं बाकी ये जो बास्केट में है ये सारी मेरी मामू की बेटी की चीज़ें थी मतलब जिसका निकाह था तो so, मैं जब भी जाती हूँ मेरी कज़न ने जो जो भी नई चीज़ें ली होती हैं वो मुझे दिखाती है तो ये जो उसके मतलब अब तो हस्बैंड हुए ना निकाह हो गए तो ये उसके हस्बैंड जो है वो बाई से ही लेकर आए थे हैंड बैग ये वाली किट और रिस्ट वॉच परफ्यूम और थोड़ी सी चीज़ें बाकी जो चीज़ें रह गई थी वो उन्होंने जब निका का ड्रेस बाई किया था तो बाकी वो उन्होंने यहीं से ली थी अच्छा ये वाली किट देखी मैं अपनी कज़न से कह रही थी कि जब मैं छोटी सी होती थी ना तो किसी की शादी होती थी तो उस टाइम पे ना इस तरह की किट या तो कोई बाहर से लेकर आता था, था या फिर अभी भी शायद मिलती हो कॉस्मेटिक शॉपें लेकिन मुझे नहीं लगता अब इस तरह की किट मिलती हैं क्योंकि अब तो टाइम चेंज हो गया ओवियसली ट्रेंड चेंज हो गया अब तो आई शेड जो हैं वो अलग से पैलेट मिल जाते हैं फेस पाउडर अलग से मिलता है उसके अलावा लिपस्टिक तो ऑब्वियसली अलग ही होती है मतलब अब ना सारा ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है तो पहले इस तरह की किट्स होती थी तो ये है दोन की रिस्ट वॉच मार्शाला इसकी रिस्ट वॉच जो है वो ब्रांडेड है बहुत खूबसूरत है और वो जो सामने आपको बीच में पर्स नज़र आ रहा है ये भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ हैंड बैग भी इसका जो है वो ब्रांडेड है बहुत खूबसूरत है खैर उसके बाद हमने प्लेट्स में जो है वो रेड रोज वग़ैरह डाल के रखे क्योंकि फिर ज़ाहिर हमें पता था कि हमने तैयार होना है और फिर हम लेट हो जाएंगे सो एज यू नो दैट एक दफ़ा मैंने अपने ननिहाल का पूरा व्लॉग भी बनाया था गांव विजिट करवाया था तो अलहमदल मेरे मामू की एक बड़ी सी लंबी सी हवेली है तो उसी के अंदर मेरे तीन मामू रहते हैं तो वहाँ पे मैं दूसरे मामू के घर गई तो मेरी कज़न जो है वो अपनी बेटी की शॉपिंग करके आई ये इसकी ना फर्स्ट बेटी है तो उसको ना समझ नहीं आ रही थी मतलब तो वो पाँच माह की इसकी बेटी तो वो उसकी शॉपिंग करने के लिए गई तो आधे कपड़े मोटे उठा के ले आई और आधे पतले और वो मुझे कह रही थी कि जो मैं रेडीमेड कपड़े लाई हूँ ना ये बड़े अच्छे हैं ये गर्मियों में भी चल जाएंगे इसको पसीना नहीं आएगा खैर यहाँ पे उसकी जो खाला है वो लौंग के कपड़े लेकर आई थी और ये जो कॉटन का ड्रेस है हाँ ये उसने अक्कल किया जो एक उसने रेडीमेड ले लिया था गर्मियों वाला और ये जो छोटा सा पर्स नज़र आ रहा है ये बहुत प्यारा है मैं मैं भी बचपन में ना हमेशा वो वाले कपड़े बहुत शौक़ से लेती थी जिसके साथ पॉकेट्स होती थी या फिर जिसके साथ पर्स होता था फिर हमने खाना खाया गांव में इस तंदूर की रोटी जो है बहुत मज़े की होती है पर्सनली नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुछ लोग नहीं भी पसंद करते कुछ लोग तो नहीं खाते कि जी ये तंदूर की रोटी है गांव में ये वाली तंदूर की रोटी और साथ शोरबे वाला सालन था सुबह बहुत मज़ा आया खाना खा के लो जी फिर से हम यहाँ पे जो शॉपिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राइडल ड्रेस और बहुत प्यारा था बहुत डिसेंट सा था सिल्वर कलर में और बहुत बड़ा इसका घेरा है बहुत बड़ा लास्ट में प्रॉपर आपके साथ पिक्चर शेयर करूँगी और बहुत अच्छा सारा इस पर काम हुआ था मतलब फ्रंट साइड पे भी बैक पे इसका इंडियन कलर था और फ्रंट साइड से सारा हैवी काम था सिल्वर स्टोन्स में और बैक साइड पे जो है वो अभी यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी हल्का सा काम था बैक साइड से सारा और ये इसका दुपट्टा है दुपट्टे के चारों साइडों पे जो है वो बार्टर लगा हुआ था सिल्वर तिल्ले से शायद बना हुआ है और उसके अंदर स्टोन लगे हुए थे ये इसका बैक साइड से गला है और इसके बाद मैं आपको दुपट्टा भी दिखाती हूँ वैसे मैंने पूछा नहीं था कि दुपट्टा इन्होंने कहाँ से बनवाया है और इस गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन बहुत ज़्यादा तो बड़ी मुश्किल से बेचारी ने सारा ड्रेस कवर किया और बहुत ज़्यादा हम सबको तो पसीना आ रहा था आप खुद सोचें कि अगर मई में इतनी तेज़ गर्मी है तो फिर आगे जून जुलाई में क्या हाल होगा और सावन में तो तौबा तोबा अल्लाह माफ़ी दे उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है ये रेड दुपट्टा है और इसके ऊपर लिखा हुआ है अली की दुल्हन प्यारा है अच्छा कुछ लोग होती है ना ब्राइडल्स के ब्राइडल अपने नेम के साथ आगे ग्रूम का नेम लिखवाती हैं वो नहीं अच्छा लगता अली की दो्हन या फ़लानी की दो्हन आई थिंक सो ये ज़्यादा सूटेबल लगता है खैर हर इंसान की अपनी चॉइस होती है लेकिन मुझे जो मुनासिब लगता है मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ उसके बाद यहाँ पे आ, सारी सिल्वर ज्वेलरी इन्होंने मैच की थी और साथ सिल्वर चूड़ियाँ और पर्स प्यारा है इस पर अच्छा काम हुआ है और जो इसकी सिल्वर ज्वेलरी थी ना उसी के साथ ही उसमें वो सिल्वर माला भी थी जिस तरह वो बारात पे होती है ना गोल्डन माला इस तरह इसके साथ ही जहाँ सिल्वर थी इन्होंने अलग बाई नहीं की थी यहाँ पे मैंने दिखाई भी थी और उसके अलावा बाक़ी वो जो दो बड़े बास्केट्स थे रेड कलर में उनके अंदर डिफरेंट छोटी छोटी सी चीज़ें थी परफ्यूम पिंस और बहुत कुछ खैर वो मैं सारा कुछ तो नहीं दिखा सकती ज़ाहिर है फिर ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है सो so, uh, ये इसके साथ सिल्वर जूते हैं जूते अच्छे थे क्योंकि वो जिनकी पेंसिल हील होती है ना उनको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है और मैंने तो ऐसे भी समझदार ब्राइडल देखे मैं समझदार के लिए वर्ड यूज़ करूँगी कि उन्होंने इस तरह के इवेंट्स पे नीचे जॉगर्स पहने होते तो देखिए आप हैवी ड्रेस के नीचे जोगर्स पहन लें पेंसिल हील पहन लें या फिर पता नहीं इसको ब्लॉक हील बोलते हैं आई थिंक सो ये पहन लें बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि आपने ड्रेस के नीचे क्या वेयर कर रखा है जितना सॉफ्ट जूता होता है इंसान की बॉडी उतनी ज़्यादा रिलैक्स होती है क्योंकि देखिए जो ब्राइडल होती है उसका ड्रेस भी बहुत हैवी होता है ज्वेलरी भी फिर सर पर इतना हैवी दुपट्टा कैरी करना और जब तक आपका जूता कंफर्टेबल ना ना चलना बहुत मुश्किल होते हैं सो इसकी यहाँ पे जूते जो थे वो ठीक थे उसकी हील सही थी और यहाँ पे बस उसके ब्रशेस ब्रशेज़ अच्छे हैं इसके और ये यहाँ पे मैंने फिर वो बैग भी निकाला था देखिए कितना ख़ूबसूरत बैग है और बड़ा लाइट सा कलर है ये मैच हो गया था उसकी ड्रेस के साथ लेकिन ये तो पहले की शॉपिंग थी निका वाली शॉपिंग तो इन्होंने बाद में की थी इसके अंदर इन्होंने मेरी कज़न ने वो हेयर स्प्रे तो स्पाइन तो पता नहीं इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई हैं और बाकी ये जो दूसरा बास्केट है इसमें उसने अपने शैम्पू तो पता नहीं क्या क्या उसने रखा हुआ था चारा कुछ तो मैंने नहीं निकाला था आ, ये पिंच बहुत प्यारी है और इसको क्लिप भी बोलते हैं ये भी अच्छा था खैर अब तो आई थिंक सो इसका ट्रेंड नहीं रहा लेकिन ये जो पिंस हैं ना ये बहुत प्यारी हैं ये अच्छी लग रही थी मुझे एंड लास्ट इवेंट के बारे में अगर बताऊँ तो इवेंट बहुत अच्छा था लेकिन गर्मी जो कि बहुत ज़्यादा थी बहुत ज़्यादा तो हमारा तो बुरा हाल हो गया था बहुत ज़्यादा पसीना आया था मेकअप भी सारा ख़राब हो गया था लेकिन क्या करें हम भी लेडीज़ भी तो ढीठ होती है ना बेस एस लगानी होती है मेकअप तो हमने करना होता है वो हमने किया था ख़राब हो गया था बाद में उसका हमें दुख नहीं अगले तला से दुआ है कि अल्लाह पाक सब बेटियों का नसीब अच्छा करें खुश रहें आबाद रहें मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट बिलो इन सेक्शन मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़